बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की वीडियो देखने वाले हैं बेटा। ये एम कह सकते हैं एमजेपी आर यू बरेली वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और आप देख रहे हैं आज देखिए 28 तारीख की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आज की सबसे बड़ी अपडेट है 28/4/2022 की। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिंपल तरीके से बोला गया है जो भी एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए जो प्राइवेट फॉर्म है, ठीक है, या फिर एक्स फॉर्म है, वो कब से भरे जाएंगे यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का हो और वो फेल हो चुका है तो भी यहाँ देख सकते हो भाग ए बीए बीएससी बीकॉम भाग ए, ठीक है, जो भूतपूर्व छात्र हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ जो बीए बीएससी बीकॉम के जो सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो स्नातक हैं या भूतपूर्व हैं जो फेल हो चुके हैं कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट में। और यहाँ देखो एमए एमके एमकॉम कॉम लोग के लिए भी यहाँ देख सकते हो भूतपूर्व छात्रों के लिए, कंप्यूटर से हो या फिर और भी सर कह सकते हो बायो टेक्नोलॉजी से हो या फिर एमएससी गृह विज्ञान से भी हो, भाग एक और भाग दो के लिए स्नातक प्रोत्साहन के छात्र छात्राओं को 2022 के आवेदन पत्र, यहाँ बोला गया है आवेदन पत्र 30/4/2022 से ऑनलाइन भरे जाएंगे। मतलब कह रहा है कि 30 तारीख से ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ठीक है, इस पर और या फिर इस पर जाकर आप उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध होंगे। छात्र छात्रों को नियत में अपने डेबिट कार्ड द्वारा अपनी फीस जमा कर सकते हैं, ये बोला गया है। और यहाँ कह रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है यदि मैं देखा जाए ये अभी तक वेबसाइट पर ये लॉन्च नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं हो सकता है कल आ जाए, लेकिन ये क्या है 100% क्लियर है मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक व्हाट्सएप द्वारा ये मैस ये आई है। तो यहाँ देख रहा है परीक्षा फॉर्म, देखो लगा परीक्षा फॉर्म उपलब्ध कराने की जो तिथि है वो 30/4/2022 से स्टार्टिंग हो गई है। और यहाँ कह रहा है यहाँ कह रहा है छात्रों द्वारा जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 15/5 कर दी गई है। छात्र छात्रों को यहाँ बोला गया है छात्रों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो है वो 16/5 है, 16 मई कह सकते हैं। और विभाग में उस फॉर्म को सत्यापित करने की अंतिम तिथि कह रहे हैं कि 17/5/2022 है, कि 17 मई तक आप संशोधन करा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है आवेदन पत्र सत्यापित किए जाना सुनिश्चित करें और ये सबको जानकारी दी जाए, ये कह रहा है विश्वविद्यालय को नहीं किया जाएगा। और ये पूरा सिंपल तरीके से बोला गया है कि हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रेषित नहीं की जानी है, मतलब कि विश्वविद्यालय पर जो हार्ड कॉपी है वो नहीं जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई हमें आपत्ति भी नहीं है। यहाँ हम सिंपल तरीके से यदि देखा जाए ये वेबसाइट पर अभी तक नहीं पहुँचा है, मैं इसको वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ, ये आज की कोई भी अपडेट ऐसी नहीं आई है, ठीक है। तो पहले इसको ये कह सकते हैं कि ये सही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बिल्कुल ये इस तरीके से ही भरा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ कि ये वेबसाइट पर आया है या फिर नहीं, तो आप सिंपल तरीके से पहुँच जाते हैं। हम लोग देखना होगा सबसे पहले बेटा कहाँ जाना होगा, देखो हमें जाना है क्रोम पर, और क्रोम पर सर्च करेंगे paperhacker.in, पेपर हैकर, ठीक है, पेपर हैकर इस तरीके से डाट करेंगे paperhacker.in, आप सर्च करिएगा paperhacker.in सर्च करेंगे तो इस तरीके से हमारी एक वेबसाइट खुलेगी। आप थोड़े से नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका अलाउ का ऑप्शन आएगा नीचे या फिर ऊपर फोन में आ सकता है, तो यहाँ से अलाउ कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, आर्मी के हैं, बीएड के हैं, डीएल, ठीक है, डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप डीएलएड के भी। और यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है यूपी आल यूनिवर्सिटी नोट्स, ठीक है, यूके आल यूनिवर्सिटी नोट्स वगैरह यहाँ आपको मिलेंगे, तो नोट्स भी आपको ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ आप आल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर टच करिएगा, और टच करने के बाद कोई ऐड आता है तो यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। और नीचे जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि एमजेपी आरयू, यहाँ बहुत सारी वेबसाइट यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, सारी यूनिवर्सिटी 70 से अधिक यूनिवर्सिटी हमने हमने अपडेट दी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के साथ टच करेंगे, और नीचे जाने के बाद देखो एमजेपी आरयू का इस तरीके से लोगो आएगा और एमजेपी आरयू लिख के आएगा, और यहाँ देख सकते हो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं 2022 का, टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, और आप डेली का नोटिस देखना चाहते हैं, अपडेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आज की अपडेट देखना है तो नोटिस देखना है तो यहाँ से आप टच करूंगा, इस पर टच करने के बाद में आपको वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और यहाँ देख सकते हो कि 29/4 को आयोजित होने वाली जो बीबीए की परीक्षा सेमेस्टर की परीक्षा संबंधित एक नोटिस दिया गया वो 27 तारीख को दिया गया। आज ऐसा कोई अपडेट नहीं आई है, आप मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, तो
तो आप इसको देख सकते हैं। मैं और भी यहाँ अपडेट्स की बात करूँगा तो यहाँ हम एडमिशन्स जो फॉर्म फिल होते हैं वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। थोड़े से बैक जाएंगे, मैं आपको यहाँ पूरा क्लियर करा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ एडमिट कार्ड है, यहाँ ऑनलाइन एडमिशन या फिर एक्स फॉर्म यहाँ से फिल करना होता है। तो यहाँ से हम टच करके एक्स फॉर्म अपने फिल कर सकते हैं जो स्टूडेंट छात्र फेल हो गए हैं। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ से फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलता है। ओके, कोई भी महात्मा गांधी को ठीक है बरेली यूनिवर्सिटी से कोई शिकायत होती है तो आप यहाँ कुछ नंबर भी आपको देंगे। आप एक मिनट रुकते हैं यहाँ लॉगिन पर, एक जस्ट मोमेंट, दिस यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर, आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। तो यहाँ हम लोग कंपलसरी नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ तो हम थोड़े से बैक जाते हैं और यहाँ देख सकते हो। यहाँ से थोड़े से होम पेज पर जाने के बाद में आप यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको एक चीज़ नई देखने को मिल रहा है, जहाँ देख सकते हो सपोर्ट बैक एंड एग्जाम फॉर्म लॉगिन दिख रहा है। और यहाँ सकते हो यहाँ अपना एक्स फॉर्म जो एक्स एग्जाम है उसका फॉर्म लॉगिन कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कुछ प्रोसेस दे रखे हैं तो हम यहाँ एक टच देख लेते हैं। यहाँ से कुछ शायद नोटिफिकेशन आया हो तो शायद मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं खुल रहा है, चेक कर लेते हैं, जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस। ठीक है, इससे हम लोग प्रॉपर तरीके से देख पाए, ऐसा कुछ भी नहीं खुल रहा है जिससे हम देख सकें। ठीक है, तो स्टेट यहाँ MGPRA रोलखंड यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ देखा जाए कि वेबसाइट के पर कोई ऐसा नोटिस नहीं है। तो आप सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पेपर हैकर को अभी आप सब्सक्राइब कर लें और जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं कुछ नोट्स को डाउनलोड करने के, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो हमने इसमें जो दिया था मैं आपको पूरा मेंशन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 30 तारीख से फॉर्म भरना फिल होना इसके हिसाब से हो जाएंगे। यदि कल ये अपडेट आ जाती है, शायद मेरे हिसाब से कल ये अपडेट आ जाएगी, ये पहले से निकल चुका है ये चीज़। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।